शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भी कोरोना अपने पांव शहर में तेजी से पसार रहा है। मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा के बाद अब शहर के पार्वती नगर में कोरोना से 22 वर्षीय युवक की मृत्यु के बाद पार्वती नगर व रामेश्वरी परिसर में कोरोना का एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। पार्वती नगर का परिसर सील कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आशा वर्कर ऐसी कोरोना वायरस की जन जागृति व रोकथाम के लिए जान की बाजी लगाकर उस परिसरों में अपना कार्य कर रही है, लेकिन आज भी वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वंचित है। ऐसे में मनपा आयुक्त मुंडे इस ओर ध्यान दे और आशा वर्करों को न्याय दे। कुछ ही दिनों पहले पार्वती नगर में कोरोना से एक युवक की मृत्यु हो गई थी और आज जो है और एक पार्वती नगर से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से पार्वती नगर का एरिया जो है सील कर दिया गया है, पुलिस का बंदोबस्त जो है तगड़ा किया गया है, साथ ही जो है कोरोना की जनजागृति या कोरोना का सर्वे करने के लिए आशा वर्कर जो है आंगनबाड़ी सेविकाएँ भी यहाँ पर है। हम उनसे बातचीत करते जानते उनसे कि किस तरह से आपका सर्वे। सर आम्हाला प्रतिसाद तर खूप चांगला मिळत आहे, पण जे काही आमचं काम करत आहोत आम्ही, आमचा जो मानधन जो आम्हाला मिळत आहे एकदम तुटपुंजा मिळत आहे आणि आम्ही समाधानकारक नाही आहोत। तरीसुद्धा सरकारने आमची काळजी घ्यावी आणि लक्ष द्यावं की आशा ही घरोघरी जाऊन जेव्हा सर्वे करत आहे त्या सर्वेचा कमीत कमी आमचा विचार करून मोबदला देण्यात यावा आणि आम्हाला PPI किट देण्यात यावी आणि सॅनिटायझर, हँड ग्लोव्ज ह्या सगळ्या वस्तू उपलब्ध करून द्यावा आणि कमीत कमी रोजचं रोजी म्हणून 200 रुपये तरी देण्यात यावी एवढी आमची अपेक्षा आहे। अभी आए दिन हमले जो हो रहे, जनजागृती करणे जो लोक जा रहे, आशा वर्कर जा रही है, तो क्या जो हमले हो रहे उस बारे में क्या कहना चाहोगे? आए दिन जो जनजागृति के लिए एरिया में जाते हो सर्वे के लिए तो हमले होते हैं, कई लोगों द्वारा गाली गलौज होती है, तो क्या बताओगे? हाँ, हमले आम्हाला प्रत्येक एरियामध्ये जेव्हा जात असताना घरोघरी कोणी शिवीगाळ करत असते, कोणी नाना प्रकारचे बोलत असतात, तरीसुद्धा आम्ही त्यांना चांगल्या प्रकारे समजावून सांगतो की हा सर्वे जेव्हा आम्ही करत आहोत हे तुमच्याच चांगल्यासाठी करत आहोत, कारण आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये कोरोना हा रोग किंवा व्हायरस पसरू नये आणि सगळंच व्हायरस हा निघून जावा कोरोनाचा, याच्यासाठी आम्ही सगळे आशा वर्कर ताई प्रयत्न करत आहोत। जब यहाँ से घर पे जाते हो ड्यूटी खत्म होने के बाद तो किस तरह का जो है डर रहता है मन में कि कहीं हम कोरोना से संक्रमित ना हो चुके हो या घर वालों को हम संक्रमित ना करें, ऐसा कुछ डर रहता है? क्या गतिविधि रहती है घर जाने के बाद? घर में जाते समय ऐसा डर रहता है कि हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे, मेरी तो कम से कम 1.5 साल की लड़की है, उसको देखते हुए रोना आता है मेरे को कि सही में हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं तो कुछ ना हमारी जान को कभी कुछ हो जाए, और हमारी यानी घर में जाने की इच्छा नहीं होती कि हमारा जो परिवार है अस्त व्यस्त हो जाए करके। सरकार से क्या मांग है, जिस तरह से हमले होते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए सरकार ने, क्या लगता है? नहीं, हमारा मानधन यानी जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का हमको मुबदला मिलना चाहिए। क्या बताओगे किस तरह से हमले हो रहे हैं, सुरक्षा किस तरह से देनी चाहिए आपको? हमारे को सुरक्षा किट भी नहीं मिली है और ना ही तो सैनिटाइजर भी मिलता है, तो वो तो एक दिन के लिए भी या थोड़ा सा ही मिलता है, उससे ना तो हमारा कुछ ये होता है, और एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला हमारे को। अभी 2 महीना लगातार हो गए हम काम ही करते जा रहे हैं, ना ही तो हमारे को क्वारंटाइन किया, ना टैबलेट मिली, ना और कुछ भी ऐसे ये भी। और हम अपने PSC में भी जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि आप तुम अभी ये वाले पॉजिटिव एरिया से आए तो आप दूर ही रहो, अगर हमारे PSC से हमारे को ऐसा मिलेगा तो हम अभी घर से भी ये कर सकते हैं ना, हमारे को भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हो कि उपराजधानी में संक्रमण जो है बढ़ रहा है, हॉटस्पॉट जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर जो है अपना कार्य कर रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा किसी भी तरह से नहीं की जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी तरह के उपाय जो है नहीं किए जा रहे, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।